सो हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। आज के सेशन में गाइस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कहीं ना कहीं हमारे पार्टीशन से रिलेटेड। तो आज के सेशन में हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या वेवल प्लान रहा, कैबिनेट मिशन किस तरीके से इंडिया आया और किन चीजों की वजह से फाइनली जाकर के इंडिया के अंदर पार्टीशन हुआ और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। ये सब चीजों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। उससे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि 2021, 2022 और 2023 वाले यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी कुछ बैचेस लेकर गया है जो कि आज से यानी कि 31 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपका सिलेबस कवरेज यहाँ पर कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी यहाँ पर लेकर के आया है। अगर आप 1 अप्रैल तक, यहाँ पर अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए एक दिन का समय बढ़ा दिया है, अगर आप 1 अप्रैल 2021 तक जाकर के अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा 4 मंथ्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यानी कि आपका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 31 जुलाई 2022 तक के लिए वैलिड यहाँ पर रहेगा। प्रीलिम्स 2022 भी इसके अंदर आपको कवर कराया जाएगा। तो प्लीज जाए जाकर के एनरोल करें, इस ऑफर को यहाँ पर लें। साथ ही साथ यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड RANK10 और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ये ऑफर है ये बेसिकली GS आइकॉनिक कॉम्बो और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। तो प्लीज जाएं जाकर के एनरोल करें। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ GS बैचेस की तो अनअकैडमी 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए कंप्लीट 1 ईयर का GS बैच कोर्स लेकर के आया है जिसमें आपका प्री कम मेंस का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। हिंदी इंग्लिश बायलैंगुअल लैंग्वेज के अंदर ये रहेगा। 3 तरीके के बैचेस हैं अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग एस्पिरेंट्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 मंथ्स का बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर के आया है जो कि प्योरली प्रीलिम्स फोकस्ड रहेगा। प्रीलिम्स का आपका सिलेबस कवरेज इसमें कराया जाएगा। ये भी 3 तरीके से 3 लैंग्वेज के अंदर है, बायलैंगुअल, हिंदी और इंग्लिश। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए 2 ईयर के बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर के आया है। इन 2 साल में आपका पूरा GS का प्री कम मेंस का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर NCERT बैचेस में अनअकैडमी लेकर के आया है जिसमें आप कंप्लीट NCERT कवरेज यहाँ पर अपना कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैचेस, प्लीज जाएं जाकर के एनरोल करें। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें सब्सक्रिप्शन प्लान की तो अनअकैडमी की तरफ से आपको आइकॉनिक और प्लस 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान देखने को मिलते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12 मंथ्स के लिए आपको पे करने पड़ते हैं 49,500 रुपीज। वहीं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ्स के लिए पे करने पड़ते हैं आपको 74,500। आइकॉनिक में फीस ज्यादा है क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है। साथ ही साथ जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड RANK10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल ही जाएगा। बाकी यहाँ पर आप कॉम्बो ऑफर्स भी ले सकते हैं, GS और ऑप्शनल के कॉम्बो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें GS और ऑप्शनल कॉम्बो ऑफर्स की तो देखिए क्या है, अगर हम GS प्लस और ऑप्शनल प्लस कॉम्बो ऑफर की बात करें तो 24 मंथ्स के लिए आपको पे करने पड़ते हैं 99,680 रुपीज। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ GS प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 24 मंथ्स के लिए आपको पे करने पड़ते हैं 72,000। एंड जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड RANK10 तो आपको 10% का यानी कि 7200 का डिस्काउंट मिल जाएगा और अल्टीमेटली जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो रहेगा 64,800। तो प्लीज जाएं जाकर के अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें। साथ ही साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेकर के आया है जो कि संडे 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे होने जा रहा है। इसके अंदर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर रेफरल कोड RANK10। तो प्लीज जाएं जाकर के अनअकैडमी के अंदर, अपने आप को एनरोल करें, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी को और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं, बूस्टअप करें। सो चलिए गाइज आज के सेशन की तरफ चलते हैं, बात कर लेते हैं हमारा आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम यहाँ पर देखेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में, वेवल प्लान को यहाँ पर समझेंगे। वेवल प्लान क्या था उस टाइम पर, एक्चुअली इंडिया के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवल, तो उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए थे तो हम उस वेवल प्लान को यहाँ पर देखेंगे, क्यों फेल हो गया ये भी समझेंगे। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन के बारे में बात करेंगे और पार्टीशन को देखेंगे कि पार्टीशन कैसे हुआ, पूरी की पूरी स्टोरी आज यहाँ पर हम कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। देखिए क्या हुआ अब तक की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे इंडिया के अंदर हमें जो है यहाँ पर पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखने को मिला। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने 1934 में विड्रॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने क्या करना शुरू करा, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करा। 1937 इलेक्शंस हुए, बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म करा, मुस्लिम लीग को मुंह की खानी पड़ी, बहुत बुरी हार हुई और वहीं से कहीं ना कहीं जिन्ना को लगने लगा कि अगर इंडिया में रहा
इस ज्वाइंट इंडिया के अंदर रहा, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर रहा, तो मेरे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ एक तबका मुस्लिम लीग का ऐसा था जो चाहता था कि पार्टीशन हो, क्योंकि उन्हें पावर चाहिए थी, सत्ता चाहिए थी। वहीं एक तरफ कहीं ना कहीं हिंदू महासभा का भी एक ऐसा सेक्शन था जो चाहता था कि यहाँ पर देश का बंटवारा हो और उनको पावर मिले। तो इस तरीके से चीजें हमें जो है यहाँ पर होती हुई देखने को मिली, जिस वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, इवेंचुअली जो चीजें हैं वो कम्युनलिज्म की तरफ बढ़ने लगी। सिंस 1935 वी सी द एक्सट्रीम फेज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। हर जगह हिंदू मुस्लिम को लेकर के दंगे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, काफी ज्यादा काम खराब यहाँ पर हो रहा था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और फाइनली हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, फाइनली आगे चल करके यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है। क्रिप्स मिशन यहाँ पर कुछ प्रपोजल वगैरह देता है, बट फाइनली वो क्रिप्स मिशन यहाँ पर फेल हो जाता है, उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करी जाती उसके डिमांड, और यहाँ पर दोबारा से हमें जो है एक मूवमेंट, एक मास मूवमेंट शुरू होता हुआ देखने को मिलता है, जो कि है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और बहुत बड़े लेवल पर ये मूवमेंट यहाँ पर चलता है। और इसके बाद कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है, जितने भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी ज्यादा वायलेंस भी हमें देखने को मिला, गांधी जी ने यहाँ पर डू और डाई का नारा भी दिया और बहुत सारी और भी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई और हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए हमें देखने को मिले। अब इस टाइम पर एक तरफ चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ब्रिटेन के हालात वहां पर बहुत ज्यादा खराब थे, ब्रिटेन फंसा पड़ा था, और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर भी सिचुएशन हाथ से निकलते जा रहे थे, इंडिया के अंदर भी बहुत ही बुरे हाल थे। तो यहां पर इस टाइम पर कहीं ना कहीं अब सॉल्यूशन चाहिए था, ठीक है। और हमें यहां पर क्या देखने को मिला, यहां पर इंडिया की लीडरशिप ने सोचा कि क्यों ना जिन्ना से बातचीत करके यहां पर काम को कराया जाए, क्यों ना जिन्ना से बातचीत करी जाए, जिन्ना को समझाया जाए कि भाई पार्टीशन में फायदा नहीं है, पार्टीशन नहीं करते। तो यहां पर अगर हम बात करें तो CR फॉर्मूला आया। CR फॉर्मूला हमें यहां पर देखने को मिला, सी राजगोपालाचारी जी ने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने कहा कि देखो जिन्ना, तुम चाहते हो कि भाई यहां पर पार्टीशन वगैरह हो जाए, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जब वॉर खत्म होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पर हम प्लेबिसाइट करा लेंगे, और जो लोग चाहेंगे, अगर लोगों का मत होगा, लोग चाहते हैं कि पार्टीशन हो तो पार्टीशन हो जाएगा, अगर लोग नहीं चाहेंगे प्लेबिसाइट में कि पार्टीशन हो तो पार्टीशन नहीं होगा। ये बात जिन्ना से कहते हैं। जिन्ना यहाँ पर इस फॉर्मूले को नहीं मानते, जिन्ना कहते हैं नहीं भाई, मैं तो पार्टीशन ही चाहता हूं। गांधी जी भी कोशिश करते हैं जिन्ना को मनाने की, दोनों के बीच में सितंबर 1944 में बातचीत भी होती है, बट यहाँ पर जिन्ना नहीं मानते। बिकॉज जिन्ना को इस टाइम पर क्या चाहिए था, जिन्ना को एक सेपरेट नेशन चाहिए था, जिन्ना के अंदर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस इतने ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ चुके थे। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोशिश करी जाती है कि चलो आप मान जाओ, बट नहीं मानते। फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ब्रिटेन के अंदर सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा होता है, चर्चिल के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा होता है कि भाई थोड़ा सा चीजों को मैनेज करो। इस टाइम तक क्या था, अभी जापान जो है वॉर के अंदर था, हालांकि ब्रिटेन जीतने की कगार पर था, जर्मनी खत्म हो चुका था, इटली खत्म हो चुका था, हिटलर खत्म हो चुका था, बट कहीं ना कहीं जापान का थ्रेट अब भी मंडरा रहा था और ब्रिटेन के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे इकोनॉमिकली। अगर हम बात करें, ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर इकोनॉमिकली अब तक जो है हो चुका था। और फाइनली हमें यहां पर क्या देखने को मिला, यहां पर चर्चिल ने लॉर्ड वेवल से कहा, जो कि इस टाइम पर इंडिया के वायसराय थे, कि साहब जरा बातचीत करो इंडिया में, देखो इंडियंस चाहते क्या है, इंडियंस के साथ थोड़ा बातचीत करो, क्योंकि इस टाइम पर ब्रिटेन में बैठी गवर्नमेंट, ब्रिटेन में बैठी सरकार यहां पर समझ चुकी थी कि भाई अब जो है यहां पर ये काम नहीं बनने वाला, अब जो है यहां पर इंडिया के पॉलिटिकल ओपिनियन को हम यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात यहां पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, शिमला के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है शिमला कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड वेवल क्या करते हैं वहां पर, कांग्रेस के लीडर्स से और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है, मिला जाता है उनसे कि भाई एक इंटरिम पॉलिटिकल एग्रीमेंट कर लिया जाए कि जब तक इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक क्या करना है चीजों को लेकर के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर सॉल्व करने की बात करी गई। और यहां पर हमें नेगोशिएशंस होती हुई देखने को मिलती हैं शिमला कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब बात करेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस की और वेवल प्लान की। मीनवाइल कुछ कमेंट्स हैं यहां पर, उन कमेंट्स को देख लेते हैं, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हुए हैं।
यहाँ पर हैरी सिंह का कमेंट है, ये सीरीज सारे सब्जेक्ट को कवर करेगी क्या? हाँ जी, इस सीरीज के अंदर हम सर सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आज हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल लास्ट सेशन रहेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। फिर हम इंडियन पॉलिटी को शुरू करेंगे, इंडियन पॉलिटी को खत्म करने के बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से हम सब के सब सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। 100 डेज के अंदर आपका पूरा रिविजन कराएंगे इसमें, ठीक है। नितेश कुमार का सब्सक्रिप्शन है, माई सब्सक्रिप्शन हैज एंडेड ऑन अनअकैडमी ऑफ 1 ईयर, तो आप दोबारा से सब्सक्राइब कर सकते हैं सर। सर जी, करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए भी कुछ आएगा क्या? हाँ जी, मैंने करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम शुरू तो करा था, बट आप लोगों का उसमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, तो इस वजह से वो प्रोग्राम हमें बंद करना पड़ा। अगर आप लोग दोबारा से डिमांड करेंगे तो वी विल स्टार्ट अगेन। राइट, जिन्ना हैड रिजेक्टेड द सीआर प्रपोजल, यस। देखिए, इस टाइम पर अगर हम यहाँ पर, अमीना का यहाँ पर कमेंट है, हु गेव फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें आइडिया ऑफ पाकिस्तान को लेकर के, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि पहले किसने दिया, बट कहीं ना कहीं दो नाम आते हैं। एक आता है सर सैयद अहमद खान का, दूसरा आता है यहाँ पर नाम जिन्ना का। इन दो के नाम ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, तो ये एक समझने की चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें मिलती हैं। बाकी यहाँ जिन्ना का ही ज्यादा कहा जाता है कि उन्हें ही था कि एक सेपरेट नेशन अब चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे चल करके वेवल प्लान की। देखिए क्या था वेवल प्लान यहाँ पर लाया गया। लॉर्ड वेवल ने यहाँ पर कहा कि सर देखो क्या है, आप लोगों को अब यहाँ पर एक इंटरिम एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरिम एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप लोग तय करें कि अब किस तरीके से चीजें चलनी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ये बात तो तय है, बट यहाँ पर हमें इस टाइम पर एक ये भी चीज है कि अब हम चीजों को कैसे लेकर के चलें। मीनवाइल आप लोग क्या चाहते हैं, ये अब यहां पर सॉल्व करना है। तो यहां पर लॉर्ड वेवल जो वायसराय होते हैं, वो कुछ बातें यहां पर बोलते हैं, वो कुछ सजेशंस यहां पर देते हैं, वो कुछ आइडियाज यहां पर देते हैं। वो कहते हैं देखो ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं, ब्रिटेन कह रहा है कि आप लोगों को जो है डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक प्रोटेक्टरेट स्टेटस दे दिया जाएगा कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना बनाओ, गवर्नमेंट भी आप लोग चलाओ, बट जो डिफेंस से रिलेटेड मैटर होंगे उसको वो आपका ब्रिटेन ही देखेगा। जब हम ये बात यहां पर कह रहे हैं, तो अब एक काम करते हैं कि यहां पर जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनेगी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, वायसराय की, उसके अंदर क्या होगा, अब कोई भी यूरोपियन, कोई भी ब्रिटेन का नागरिक नहीं होगा, कोई भी ब्रिटिश नहीं होगा, सबके सब इंडियन मेंबर्स ही होंगे। इस काउंसिल को हम पूरी तरीके से इंडियन बना देंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर बोला जाता है कि भाई जो गवर्नर जनरल होगा और जो कमांडर इन चीफ होगा वो हमारा अपना बंदा होगा, ठीक है। ये बात यहां पर लॉर्ड वेवल कहते हैं। और आगे चल करके हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है, जब ये बात बोलते हैं वेवल कहते हैं कि जो ये काउंसिल होगी इसके अंदर मुस्लिम्स को भी और हिंदूज को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये बात यहां पर बोलते हैं ये दोनों। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें इन दोनों के अलावा, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें ये लोग बोलते हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं, काउंसिल यहां पर बना लेते हैं जो कि इंटरिम गवर्नमेंट का काम करेगी, ठीक है। इस काउंसिल का काम क्या रहेगा कि जब तक इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक ये एक इंटरिम गवर्नमेंट का यहां पर काम करेगी, ये बात यहां पर बोला जाता है, ठीक है। अब आगे चल करके यहां पर क्या होता है, गवर्नर जनरल से बात बोली जाती है। गवर्नर जनरल कहते हैं कि देखो, सॉरी, लॉर्ड वेवल यहां पर कहते हैं कि जो गवर्नर जनरल रहेगा उसको वीटो पावर भी यहां पर दी जाएगी। ये सब बातें यहां पर बोली जाती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहां पर जब बात होती है मुस्लिम लीग की, कांग्रेस से, उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या स्टैंड है। मुस्लिम लीग कहती है कि सब बात ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो यहां पर आप कह रहे हो रिप्रेजेंटेशन होगा मुस्लिम्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जो आप कह रहे हो कि इंटरिम गवर्नमेंट में भी, यहां पर जो बनेगी इंटरिम गवर्नमेंट उसमें भी मुस्लिम्स रहेंगे, तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम्स को हम ही लोग यहां पर अपॉइंट करें। यानी कि मुस्लिम लीग कहते हैं कि जितने भी मुस्लिम्स काउंसिल के अंदर रहेंगे उन लोगों को हम ही अपॉइंट करेंगे। यानी कि कोई भी मुस्लिम कांग्रेस की तरफ से नहीं आएगा, कोई भी मुस्लिम और किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आएगा। अगर मान लो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 30 लोगों को अपॉइंट करना है सपोज, तो यहां पर जो 15 लोग आप कह रहे हो कि भाई वो मुस्लिम्स रहेंगे, तो वो 15 के 15 हम ही अपॉइंट करेंगे, ये बात मुस्लिम लीग यहां पर कहती है। अब कांग्रेस कहती है ये क्या बात हुई भाई। देखिए, मुस्लिम लीग का ऐसा कहने के पीछे का इंटेंशन क्या था, मुस्लिम लीग को पता था कि अगर कांग्रेस अपने लोगों को, कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारेगी या और कोई कम्युनिटीज के लोग आएंगे, सिख क्रिश्चियन वगैरह ये सब आएंगे, अदर माइनॉरिटीज, ये सब लोग चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो,
बट मुस्लिम लीग चाहती थी कि देश का बंटवारा हो, तो कहीं ना कहीं इनको लगता था कि अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हम लोग अपने मुस्लिम्स को अपॉइंट करेंगे तो उससे क्या रहेगा, हमारे पास मेजोरिटी रहेगी वहां पर, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास 130 मेजोरिटी रहेगी, हम आउट नंबर हो जाएंगे यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम लीग अपने आप को थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को यहां पर एक मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ कांग्रेस यहां पर क्या कहती है, कांग्रेस कहती है भाई ये तो गलत चीज है, हम तो सेक्युलर बॉडी है और हम क्यों नहीं यहां पर मुस्लिम्स को अपॉइंट करें, अगर आप ऐसे करोगे आप तो हमें पूरी तरीके से हिंदू पार्टी बना रहे हो कि सिर्फ हम हिंदू कैंडिडेट्स को ही अपॉइंट करें, है ना। और ये लोग चाहते थे कि भाई ये मुस्लिम मेंबर्स को भी अपॉइंट करें बिकॉज कांग्रेस वॉज अ सेक्युलर बॉडी एट दैट टाइम। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं यहां पर चल रही थी और इसी वजह से क्या हुआ, जो ये वेवल प्लान था ये यहां पर हमें रिजेक्ट होता हुआ देखने को मिला। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो वेवल जो है वो ज्यादातर थोड़ा सा झुके हुए थे मुस्लिम लीग की तरफ, जिन्ना की तरफ वो थोड़ा झुके हुए भी थे यहां पर। तो हमें यहां पर वेवल प्लान जो है खत्म होता हुआ, फेल होता हुआ यहां पर देखने को मिला। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पर देखने को मिली, ठीक है। आगे चल करके क्या हुआ, अब देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं इस वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये अप्रैल 1945 में खत्म होता हुआ हमें देखने को मिला, ठीक है। और जो वॉर खत्म हुआ उसी के साथ क्या हुआ, एक नया फेज इंडिया के अंदर हमें शुरू होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। क्या था वो नया फेज, वो नया फेज ये था कि अब हमें नया तरीके से यहां पर जो है चीजें होती हुई देखने को मिली। इंडियन लीडर्स जितने भी थे, नेशनल लीडर्स, उन लोगों को जेल से रिहा करा गया, ठीक है। कांग्रेस के साथ बातचीत करने की कोशिश करी गई कि चलो ठीक है बातचीत वगैरह करी जाए और सब चीजें करी जाए, ये सब चीजें करी गई, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर अब क्या हुआ, हमें एक बहुत बड़े लेवल पर हर जगह अब जो है यहां पर रिवोल्ट्स वगैरह देखने को मिले, पीजेंट्स की तरफ से, वर्कर्स की तरफ से, अलग अलग स्टेट्स के अंदर नेशन वाइड स्ट्राइक जो है हमें हर तरफ देखने को मिली। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें कांग्रेस में, मुस्लिम लीग के अंदर, कॉलोनियल गवर्नमेंट में कुछ बातचीत भी नहीं बन पा रही थी, कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल पा रहा था। साथ ही साथ यहां पर कम्युनल वायलेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और पार्टीशन को लेकर के डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। द रीजन, देखिए अगर हम बंगाल की उस टाइम की खास तौर पर बात करें तो बंगाल के अंदर टेंशन बहुत ज्यादा थी, कम्युनलिज्म बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। बंगाल के अंदर क्या हो चुका था, बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं हिंदू महासभा या जो इस तरह की बॉडीज थी वो चाहती थी कि मुस्लिम्स जब बाहर हो जाएंगे इस देश से तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम लोगों को पावर मिलेगी। मुस्लिम लीग चाहती थी, ये लोग सोचते थे कि अगर यहाँ पर हम लोग अलग देश बनाएंगे तो हमारे हाथ में सत्ता रहेगी। तो अब सिर्फ पावर का खेल बचा था, तो उस पावर के खेल के पीछे अब कम्युनलिज्म यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर चल रहा था, दंगे फसाद बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर होते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहती थी कि जल्द से जल्द इंडिया का सॉल्यूशन यहाँ पर करा जाए और इस मैटर को खत्म करा जाए, बिकॉज अब जो है इंडिया एक तरीके से ब्रिटिशर्स की नाक की, कहते हैं ना, नाक में नासूर बन जाना, वो काम यहाँ पर हो रहा था। आगे चल करके क्या होता है, अब यहाँ पर समझ आ जाता है कि भाई ब्रिटिशर्स को, कि अब इंडियंस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इनको ट्रांसफर ऑफ फुल पावर चाहिए, इससे कम में इंडियंस हम मानेंगे नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस से यहाँ पर बैन वगैरह हटाया जाता है, कांग्रेस के लीडर्स को रिहा वगैरह करा जाता है, ये वेवल प्लान हमें देखने को मिलता है। और आगे चल करके यहाँ पर क्या होता है, जब ये सब चीजें चल रही होती हैं तो अब आगे चल करके बात आती है कैबिनेट मिशन को लेकर के, कि चलो ठीक है यहाँ पर कैबिनेट मिशन वगैरह को बुलाया जाए, ये सब चीजें करी जाए, ये सब बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भाई ब्रिटिशर्स एकदम इतने चेंज क्यों हो गए, जो ब्रिटिशर्स पहले 1942 तक डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे थे और वो भी बड़ा एहसान करके दे रहे थे, कुछ इंटरेस्टेड भी नहीं थे उसके अंदर देने में, अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम हृदय परिवर्तन हो गया, एकदम से कहने लगे कि चलो ठीक है हम करने को तैयार हैं, बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस पे से बैन हटाए जा रहे हैं, कांग्रेस के लीडर्स को छोड़ा जा रहा है, ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों, मतलब ब्रिटिशर्स जो है इतने ज्यादा सॉफ्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। देखिए क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। अगर आप लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ा है अब तक तो आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कवर करा है, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कवर कर चुके हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो है पावर का चेंज हुआ और लेबर पार्टी जो है यहाँ पर गवर्नमेंट में आ गई, जो यहाँ पर इस टाइम पर पहले चर्चिल थे, चर्चिल की जगह अब क्लेमेंट एटली जो है वो अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए। और जो ये नई लेबर गवर्नमेंट आई, ये थोड़ी सी कांग्रेस की डिमांड्स की तरफ ज्यादा सिंपैथेटिक थी, ये चाहती थी कि ब्रिटेन इंडिया को अब आजाद कर दें हम। अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजा नेगोशिएट करने के लिए कि पावर ऑफ किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, ये सब अब आगे चलने को हमें देखने को मिला कि भाई कैसे फर्दर चीजों को लेकर के चलना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ था,
बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। जो ब्रिटेन यहां पर कभी वर्ल्ड को डोमिनेट करता था वो अब ऐसा नहीं था, अब बैलेंस ऑफ पावर यूएसए और यूएसएसआर की तरफ चला गया था। और यूएसए भी और यूएसएसआर भी दोनों देश चाहते थे कि बस अब आप इंडिया को फ्री कर दो, क्योंकि यूएसए की जब हम बात करते हैं तो यूएसए वॉज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, और यूएसए चाहता था कि बस अब इंडिया से जो है ब्रिटेन निकले यहां पर, है ना। तो लगातार यूएसए भी यहां पर प्रेशर बना रहा था ब्रिटेन के ऊपर, और साथ साथ यूएसएसआर तो चाहता ही था कि बस अब यहां पर ब्रिटेन खत्म करे ये सब चीजों को, कॉलोनियलिज्म को। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि दैट यूएसएसआर वाज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एंड ऑल दोस थिंग्स। यूएसएसआर ने खुद एक बहुत लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी थी। तो यहां पर फाइनली क्या होता है, इतना ज्यादा जो प्रेशर ब्रिटेन के ऊपर बढ़ता है, और यहां पर अब हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटेन के हालात भी पहले जैसे नहीं थे, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा लॉस हुआ था उसे। तो फाइनली यहां पर ब्रिटेन सोचते हैं कि चलो अब इसको निपटाया जाए, इंडिया के मैटर को। स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में हो चुका था, इस वजह से क्या हो रहा था, फॉरेन गुड्स का बायकॉट भी हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स को मार्केट का भी खतरा था, मार्केट में इतना ज्यादा शेयर बचा नहीं था, डिमांड जो थी ब्रिटिश गुड्स की वो भी काफी ज्यादा कम हो गई थी, तो ब्रिटिशर्स को इंडिया से अब कुछ फायदे नहीं हो रहे थे, अब इंडिया उनके लिए घाटे का सौदा था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जापान और यूएसए ये दोनों इंडस्ट्रियल राइवल्स के तौर पर निकल कर के आ रहे थे साथ, इस वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पोजिशन डाउन हो गई थी। वर्ल्ड वॉर वन में इन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, ये वो भी दिक्कत थी सबसे बड़ी। इसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी हमें यहाँ पर देखने को मिली, उनके पेट्रियोटिक आइडियाज देखने को मिले, जिसने कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत पैदा कर दी ब्रिटिशर्स के लिए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी, इंडियन नेवल रेटिंग हो गया, एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, हर तरफ लोग अब स्ट्राइक कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि बस अब नहीं कंट्रोल कर सकते हम, क्यों, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्मी का अपनी तरफ होना, पुलिस का, प्रशासन का अपनी तरफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अब उन्हीं सब में जो है विद्रोह वगैरह, स्ट्राइक वगैरह होने लग गई थी। सो नाउ अब यहाँ इस टाइम पर, अब यहाँ पर क्या हुआ, जुलाई 1946 की बात है, ऑल इंडिया लेवल पर स्ट्राइक हमें देखने को मिली, पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने बहुत लार्ज स्केल पर स्ट्राइक वगैरह यहाँ पर करा, रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक वगैरह करा, और सब हर कोई चाहता था कि बस अब आजादी हमें चाहिए, आजाद कर दो अब इस देश को। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, बंगाल के अंदर एक हमें पोस्ट वॉर सबसे खतरनाक मूवमेंट देखने को मिला, जिसे तिभागा मूवमेंट कहा जाता है। यहाँ पर जो शेयर क्रॉपर्स थे बंगाल के अंदर, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है सिर्फ 1/3 ही यहाँ पर अब जो है लैंड रेवेन्यू पे करेंगे, अब पहले ये लोग 1/2 करा करते थे, 50%, इन्होंने बोला 33% ही हम लोग यहाँ पर प्लेयर पे किया करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल वगैरह चल रहे थे बिहार महाराष्ट्र वाले रीजन में, हाई लैंड रेवेन्यू रेंट्स को लेकर के, हैदराबाद केरला सब जगह लोग परेशान थे, लोग सड़कों के ऊपर आ चुके थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें, इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि प्रिंसली स्टेट्स जो है उनके सपोर्ट में रहेंगे, बट यहाँ पर क्या हुआ, जो इतने बड़े मास मूवमेंट चल रहे थे, कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट्स भी पीछे हटने लगे थोड़ा सा, उन्हें राजा महाराजाओं को भी लगने लगा कि भाई हम नहीं मांगे मारे हम नहीं मानेंगे लोगों की बात, तो लोग हम ही ना मार दें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर इस टाइम पर चल रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया में 1945 से लेकर के 1946 बहुत बड़े लेवल पर एजिटेशन वगैरह हमें देखने को मिले, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक वगैरह देखने को मिली। तीन इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर हुए। 21 नवंबर 1945 को क्या हुआ, INA के अंदर ट्रायल्स वगैरह हुए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोगों ने उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह करा, जो INA ऑफिसर को यहाँ पर सेंटेंसिंग वगैरह दी गई थी 11 फरवरी 1946 को, बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने सड़कों पर उतर के उसके खिलाफ प्रदर्शन करे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, रॉयल इंडियन नेवी के अंदर भी हमें स्ट्राइक देखने को मिली, जिसने ब्रिटिशर्स को हिला करके रख दिया, ब्रिटिशर्स को उम्मीद नहीं थी कि रॉयल इंडियन नेवी भी यहाँ पर जो है स्ट्राइक कर देगी। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही थी। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो 21 नवंबर 1945 को क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पर स्टूडेंट्स, लोग सड़कों पर थे, पूरी जगह पर हमें हर जगह, कलकत्ता, बंगाल, हर तरफ जो है हमें यहाँ पर लोग सड़कों के ऊपर देखने को मिल रहे थे। स्टूडेंट फेडरेशन एक्टिविस्ट ने यहाँ पर ज्वाइन करा, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, INA के साथ, हर किसी को सिंपैथी थी INA ट्रायल्स के ऊपर। ये सब चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर चल रही थी। मुस्लिम लीग भी जो है यहाँ पर अलग तरीके से प्रोसेशन वगैरह कर रही थी, मुस्लिम लीग भी यहाँ पर काम कर रही थी। साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो रॉयल इंडियन नेवी के अंदर रिवोल्ट हो गया 18 फरवरी को, जिसने कहीं ना कहीं हिला करके यहाँ पर लोगों को रख दिया। साथ साथ जो है BC दत्त जी का अरेस्ट जब हुआ तो उसने भी यहाँ पर काम खराब कर दिया। तो बहुत बड़े लेवल पर चीजें यहाँ पर चल रही थी, लोग सड़कों के ऊपर थे, मीटिंग्स वगैरह हो रही थी एंटी ब्रिटिश, रेलवे स्टेशन, हर तरफ जो है लोग स्ट्राइक कर रहे थे, हर तरफ लोग सड़कों के ऊपर थे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो RIN रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट को देखते हुए कराची जो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा सेंटर था,
तो चीजें और भड़कने लगी, ने लगने लगा कि भाई और कहीं ना ये विद्रोह भड़क जाए इंडियन नेवी के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर ब्रिटिशर समझ चुके थे कि बस अब हम यहाँ पर चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, अब हो गई है तोबा। कहते हैं ना कि अब तोबा हो गई किसी चीज की, अब ये चीज यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए हो गई थी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर कैबिनेट मिशन इंडिया आता हुआ हमें देखने को मिलता है। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इस टाइम पर, क्लेमेंट एटली, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में 19 फरवरी को यहाँ पर बोलते हैं कि भाई हम जो है क्या कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन को इंडिया भेज रहे हैं, और ये कैबिनेट मिशन क्या काम करेगा, आगे किस तरीके से चीजों को लेकर के चलना है उसको लेकर के यहाँ पर बात करेगा। कैबिनेट मिशन इंडिया आया। इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मिनिस्टर्स थे, जिसमें एक थे सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, जो दूसरे थे यहाँ पर सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे यहाँ पर एवी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स का आपको पता है कि ये क्रिप्स मिशन में भी यहाँ पर आ चुके थे। तो ये सब चीजें यहां पर कहीं ना कहीं इस टाइम पर चल रही थी। जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे वो इस टाइम पर कैबिनेट मिशन के हेड थे। तो अब आई कैबिनेट मिशन इंडिया में, अब देखेंगे समझेंगे कैबिनेट मिशन से क्या हुआ, क्या कुछ चीजें हुई, उसको यहां पर आप डिस्कस करेंगे। मीन वाइल यहां पर आपके लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को देख लेते हैं। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप अपना डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नितेश का यहाँ पर कमेंट है, प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ ऑल्सो सर। हाँ जी नितेश, अगर आप रोज मेरे सेशंस को देखते होंगे, अपडेटेड होंगे, तो मैं यहाँ पर आफ्टर द सेशन डेली ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। 1946 आफ्टर कम्युनल वायलेंस एट लास्ट ब्रिटिशर फोर्सफुली गॉट रेडी टू डिक्लेयर फ्रीडम। अभी उसी के बारे में बात करेंगे आगे चल करके कि कैसे कम्युनलिज्म वगैरह बढ़ा। दैट्स व्हाई इट मेंशन दैट इंडियन गॉट एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू टू गॉट फ्रीडम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इंडिया के फ्रीडम के अंदर। Not only India, from all over the world, the demand were raised for the removal of colonialism. Yes, यही तो मैं कह रहा हूं ना। मैंने क्या पॉइंट बताया स्वाति, शुरुआत में मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ पावर बदल गया था। जो बैलेंस ऑफ पावर कभी फ्रांस और ब्रिटेन के पक्ष में था, अब वो बदल करके यूएसए और यूएसएसआर की तरफ चला गया। और दोनों देश ही, यूएसए डेमोक्रेसी की बात करता था, यूएसएसआर कॉलोनियलिज्म के खिलाफ खड़ा था। तो दोनों देश ही यहाँ पर अब प्रेशर डाल रहे थे। तो इसी वजह से बैलेंस ऑफ पावर के बदलने की वजह से ही कहीं ना कहीं पूरी तरफ हर जगह बात हो रही थी कि बस अब जो है कॉलोनियलिज्म को खत्म करा जाए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, कैबिनेट मिशन इंडिया आया, सर पैथिक लॉरेंस इंडिया आए। ये मिशन को इंडिया भेजा गया कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है आगे, किस तरीके से चीजों को लेकर के चलना है। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा 24 मार्च 1946 को, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। और यहां पर इस मिशन ने क्या करा, जितनी भी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके साथ बातचीत वगैरह यहां पर करी। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा था, जो बातचीत वगैरह यहां पर हुई। ओके, ये तो बैकग्राउंड है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 24 मार्च को इंडिया पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, और यहां पर कांग्रेस के साथ भी मुलाकात करी मेंबर्स ने, मुस्लिम लीग के साथ भी बातचीत करी, दोनों से यहां पर कंसिडरेशंस वगैरह उनसे पूछे, उनसे बोला कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट के लिए क्या करना है, फ्रेमवर्क किस तरीके से करना है कॉन्स्टिट्यूशन का बताओ। तो यहां पर अगर हम बात करें कांग्रेस और लीग की, दोनों यहां पर अलग अलग तरीके से बात कर रही थी। कांग्रेस कहती थी कि हमें यूनाइटेड इंडिया चाहिए, लीग कह रही थी हमें पार्टीशन चाहिए। और यहां पर सॉल्यूशन को लेकर के बात होने लगी कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो यहां पर प्रपोजल क्या रहे, यहां पर बोला गया कि देखो ऐसा कर लेते हैं कि दैट देयर शेल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, एक यूनियन होगा इंडिया का, साथ ही साथ यहां पर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशंस, ये जितनी भी पावर्स हैं ये सब जो है यहाँ पर यूनियन के पास होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो यूनियन है ये थोड़ा सा लूज लूज यूनियन की यहाँ पर बात करेगा, यानी कि जो यहाँ पर सेंटर था उसके पास सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन की सर्विसेज ही होंगी, बाकी सब चीजें जो है यहाँ पर स्टेट्स के पास होंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर करी गई, ये सब प्रपोजल यहाँ पर दिए गए। साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला गया कि जो रेसिडुअरी पावर्स रहेंगी वो किसके अंदर होंगी, वो प्रोविंसेस के पास होंगी। आज की रेट में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आप सब लोगों को पता है कि आज की रेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास हैं, वो सेंटर के पास हैं, बट उस टाइम पर बोला गया प्रोविंसेस के पास होंगी। साथ ही साथ यहां पर बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी ये कैसी बनेगी, ये पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड होगी। कैसे, जो जितनी भी ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस हैं उनके अंदर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने कैंडिडेट्स को यहां पर भेजेंगे, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो हैं यहां पर वोट वगैरह करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। वहीं जो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट होंगी वो क्या करेंगी, प्रिंसली स्टेट जो है अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे। यानी कि यहां पर टोटल जो सीट्स बताई गई उसमें जो 292 मेंबर्स थे वो आने थे ब्रिटिश इंडिया से। इन लोगों को कैसे जाना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यहां पर क्या होना था,
कि जो प्रोविंसेस हैं, इन प्रोविंसेस के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके मेंबर्स क्या करेंगे, यहां पर वोट वगैरह करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए, ठीक है, ये काम यहां पर बोला गया। साथ ही साथ जो यहां पर प्रिंसी स्टेट्स थी 93, उसमें यहां पर ये बोला गया कि भाई आप लोगों को क्या करना है, जो यहां पर राजा महाराजा होंगे वो लोग अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे यहां पर, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड बॉडी यहां पर बोला जाता है। साथ ही साथ यहां पर मिशन ने कहा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी सेंटर पर। इंटरिम गवर्नमेंट कौन होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही साथ में इंटरिम गवर्नमेंट का काम यहां पर करेगी। क्या करा गया, प्रोविंसेस को तीन सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ग्रुप ए में मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी, बिहार, बॉम्बे, ओडिशा को रखा गया। साथ ही साथ ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान को रखा गया। ग्रुप सी में बंगाल और असम को रखा गया। तो यहां पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं उन्हें दो ग्रुप्स के अंदर रखा गया और हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस को एक ग्रुप के अंदर यहां पर रखा गया, ठीक है। ये जो है ये मुस्लिम मेजोरिटी वाली थी और ये वाली जो ऊपर वाली है हमारी ये हिंदू मेजोरिटी थी। ये काम यहां पर इन्होंने एक तरीके से कर दिया, ठीक है। ये सब चीजें हमें यहां पर देखने को मिली कि तीन ग्रुप्स के अंदर, तीन सेक्शंस के अंदर एबीसी में प्रोविंसेस को यहां पर डिवाइड कर दिया। हिंदू मेजोरिटी के एक ग्रुप बनाया, मुस्लिम मेजोरिटी के दो ग्रुप यहां पर बना दिए, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को लेकर के अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग ने क्या करा, मुस्लिम लीग ने यहां पर 6 जून को प्लान की एक्सेप्टेंस की यहां पर बात कही। इन्होंने यहां पर कहा कि देखो मिशन प्लान यहां पर होगा, बट केस क्या है, पाकिस्तान को लेकर के, हम पाकिस्तान को लेकर के यहां पर काम करेंगे। साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी क्या करा, जून 26, 1946 को एक्सेप्ट कर लिया इस प्लान को। साथ ही साथ यहां पर एक प्रोवोकेटिव स्पीच भी दी गई, यहां पर बोला गया वी आर नॉट बाउंड बाय अ सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां पर क्या था, यहां पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर यह बोला गया कि जो असेंबली होनी चाहिए वो पूरी तरीके से सोवरेन होनी चाहिए, जो भी रूल्स वगैरह होंगे, प्रोसीजर वगैरह होंगे, वो असेंबली यहां पर खुद अपने डिसाइड करेगी, ये बातें यहां पर बोली गई। अब जिन्ना ने यहां पर क्या करा, जिन्ना ने इस मौके का फायदा उठाया और जिन्ना ने क्या करा, जिन्ना ने यहां पर डायरेक्ट एक्शन डे की बात करी 16 अगस्त को। जिन्ना ने कहा कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहां पर इन्होंने बोल दिया कि हम जो है यहां पर अब सपोर्ट नहीं करते। 6 जून को जिन्ना बोल रहे हैं कि ठीक है हमें मंजूर है, 29 जुलाई को जिन्ना बोलते हैं कि हमें मंजूर नहीं है, हम यहां पर नहीं करेंगे ये काम। ये बात यहां पर जिन्ना बोलते हैं क्यों, क्योंकि नेहरू क्या कह रहे थे, नेहरू के मन में कहीं ना कहीं अभी भी एक होप था यूनाइटेड इंडिया को लेकर के। नेहरू को उम्मीद थी कि हो सकता है कि इंडिया यूनाइटेड ही रहे, डिवाइड ना हो। जब जिन्ना ने ये सब देखा ना, तो जिन्ना ने क्या कहा कि नहीं भाई हम तो है क्या करेंगे, सपोर्ट को वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर से डेडलॉक की सिचुएशन बन गई यहां पर। साथ में गांधी जी ने यहां पर क्या करा, गांधी जी जाकर के माउंट बेटन से मिलते हैं। गांधी जी माउंट बेटन को कहते हैं आप एक काम करो, आप जो है जिन्ना को कहो कि वो सख्त पावर बना ले, वो गवर्नमेंट बना ले, हम जिन्ना के अंडर काम करने को तैयार हैं। इतनी बड़ी बात गांधी जी ने बोल दी। बट यहां पर जिन्ना वो चीज भी नहीं माना, जिन्ना ने वो चीज को भी नहीं माने। अब क्या हुआ, जगह जगह पर दंगे फसाद शुरू हो गए, कम्युनल कार्नेज हमें जगह जगह पर देखने को मिला। जब कैबिनेट मिशन प्लान से मुस्लिम लीग ने अपना सपोर्ट छीन लिया, पाकिस्तान की डिमांड करने लगे, डायरेक्ट एक्शन डे को यहां पर घोषित कर दिया, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे को घोषित करा और क्या कहने लगे, लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये स्लोगन यहां पर दिया। अब आप इस स्लोगन से ही समझ सकते हैं कि क्या इंटेंशन मुस्लिम लीग की हुआ करी होगी उस टाइम पर। अब कल कुछ लोगों का कमेंट था कि कांग्रेस ने यहां पर मुस्लिम्स का ध्यान नहीं रखा। स्वाति आपने बोला था कि कांग्रेस ने मुस्लिम्स को यहां पर ध्यान नहीं रखा, तो अब आप मुझे बताइए कि चाहे वेवल प्लान हो या अब कैबिनेट मिशन प्लान हो, जिस तरीके से मुस्लिम लीग चीजों की डिमांड कर रही है, वेवल प्लान में मुस्लिम लीग कहती है कि जितने भी मुस्लिम्स हैं हम उनको नॉमिनेट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई और भी तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज में भी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देना है अपना। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर एक जिद पकड़ ली थी मुस्लिम लीग ने कि अब तो पाकिस्तान लेकर के ही रहेंगे। और यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, मुस्लिम लीग कहती है कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये स्लोगन यहां पर डायरेक्ट एक्शन डे पर दिया जाता है। 16 अगस्त 1946 को ये डायरेक्ट एक्शन डे होता है, इसीलिए हम पाकिस्तान का जो आगे चल करके जब ये बंटवारा होता है तो इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, इन्हीं कम्युनल हॉलोकॉस्ट की वजह से। जगह जगह पर राइड्स हो रहे होते हैं, कलकत्ता के अंदर सेवरल पीपल वर ऑन द रोड्स, दंगे फसाद हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, बहुत बुरे हाल हमें जो है हर जगह जो है यहां पर देखने को मिल रहे थे। और यहां पर अगर हम बात करें तो चीजें बहुत ही ज्यादा हाथ से निकल गई थी। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इतने बड़े लेवल पर चीजें हो रही थी, इतने बड़े लेवल पर
ये हमें जो है कम्युनल कार्नेज यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि बस आप पूछिए मत। हर तरफ जो है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा था, हर तरफ जो है हमें यहाँ पर लोग सड़कों के ऊपर देखने को मिल रहे थे, हिंदू मुस्लिम हर तरफ यहाँ पर हो रहा था। अगर हम मार्च 1947 तक की बात करें तो कलकत्ता से ये हिंदू मुस्लिम दंगे बॉम्बे, बंगाल, बिहार हर तरफ फैलते जा रहे थे, पंजाब के अंदर भी ये आ गए थे। और इन कहीं ना कहीं कम्युनल राइट्स ने कांग्रेस को मजबूर कर दिया मानने के लिए कि चलो ठीक है भाई तुम पार्टीशन ही करो। क्यों? आप समझिए चीजों को, हालात उस टाइम पर आउट ऑफ कंट्रोल थे, सेवरल लैक ऑफ पीपल वर डेड ड्यूरिंग दिस होलोकास्ट। और यहाँ पर फाइनली जब कांग्रेस ने कहा कि चलो ठीक है यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है कोई नहीं, अब यहाँ पर हमें यही मंजूर है, अब देखिए क्या हुआ। यहाँ पर कैबिनेट मिशन, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। कैबिनेट मिशन ने यहाँ पर क्या कहा कि भाई एक हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो काम करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस ने एक इंटरिम गवर्नमेंट भी यहाँ पर बनाई, ठीक है। कैबिनेट मिशन, ये हमें इंटरिम गवर्नमेंट भी बनती हुई यहाँ पर देखने को बीच में मिली। अब क्या था यहाँ पर, देखिए गवर्नमेंट के आगे एक बहुत बड़ा डिलेमा था। एक तरफ यहाँ पर जो पाकिस्तान की डिमांड हो रही थी, डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस तैयार थी कि चलो ठीक है हम तो भाई तैयार है कुछ ना कुछ करने को। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक यहाँ पर हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट के आगे एक बहुत बड़ा डिलेमा था कि अब क्या करें। लीग जो मुस्लिम लीग है वो प्लान को एग्री करती है, उसकी डिमांड वो देखें, या कांग्रेस जो यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनाने को तैयार है वो देखें। फाइनली यहाँ पर क्या होता है, चीजें यहाँ पर जो मेजेस्टी की गवर्नमेंट होती है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें कांग्रेस के साथ कॉपरेट अब यहाँ पर करना चाहिए। और फाइनली 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस क्या करती है, यहाँ पर जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर बना देती है, लीग उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। और यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, हर तरफ जो ये कम्युनल फोर्सेस काम कर रही होती हैं, दंगे फसाद कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं, फाइनली यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर काम करना पड़ जाता है। अब देखिए क्या था, यहाँ पर जो कम्युनल राइट्स हो रहे थे वो इतने ज्यादा हो रहे थे कि हर किसी को सरप्राइज कर दिया था कंट्री के अंदर। जिन्ना ने, यहाँ ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि भाई जिन्ना तो कहीं सिविल वॉर ही यहाँ पर खड़ा ना कर दे, और ब्रिटिशर्स इस हालात में नहीं थे कि इस वॉर को यहाँ पर कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर वेवल ने क्या करा, वेवल ने यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर बोला मुस्लिम लीग को कि भाई आप फटाफट से जो है एक बना लो, अपना काम कर लो, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लो। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिन्ना अपना डायरेक्ट एक्शन प्लान को छोड़ने को तैयार नहीं थे, और यही सब चीजें हमें यहाँ पर बनती हुई देखने को मिली। और बहुत बड़े लेवल पर ये कम्युनल कार्नेज, कम्युनल होलोकास्ट हर तरफ यहाँ पर हो रहा था। ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुस्लिम लीग ने कहा चलो ठीक है हम आ जाते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी करा, बट कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। आगे चल करके क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने कहा कि हम यहाँ तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट हमें तो पाकिस्तान ही चाहिए, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब कांग्रेस के मेंबर कहने लगे भाई क्या क्या पागलपन कर रखा है ये, कभी तो तुम आकर के ज्वाइन कर लेते हो, कभी यहाँ पर कहते हो नहीं करेंगे, क्या क्या चाहते क्या हुआ आखिर। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखें तो जिस तरीके से चीजें बढ़ती जा रही थी, जिस तरीके से काम हो रहे थे, जिस तरीके से दंगे फसाद कम्युनल हर जगह हो रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुस्लिम लीग जो बिल्कुल ही नॉन कॉपरेट थी, कहीं ना कहीं कॉपरेट करने को तैयार ही नहीं थी। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बोला जाता है कि चलो ठीक है आप लोग जो है यहाँ पर देश का बंटवारा ही करो। फाइनली माउंटबेटन प्लान हमें देखने को मिलता है 1947 के अंदर। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में आते हैं वाइस राय बन करके, और जून 1947 की बात करते हैं कि भाई अब जो है क्या करा जाएगा, देश को यहाँ पर पार्टीशन कर दिया जाएगा देश का। होता क्या है यहाँ पर, यहाँ पर बोला जाता है कि इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा, एक पाकिस्तान अलग कंट्री बना दिया जाएगा। अब देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे मुस्लिम लीग ने यहाँ पर एक हालात को मजबूर कर दिया कि चलो ठीक है अब यहाँ पर देश का बंटवारा ही करो। अब उन लोगों ने आकर के इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट होने को तैयार नहीं है, डेडलॉक क्रिएट करे खड़े हैं वहां पर। साथ साथ हर तरफ दंगे फसाद हो रहे हैं, कम्युनल आउटरेज हर तरफ देखने को मिल रहा है, लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर कांग्रेस के ऊपर प्रेशर था कि भाई अब देश को ठीक है जो मिल रहा है वही सही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कांग्रेस को कि भाई अगर सिविल वॉर खड़ा हो गया तो ब्रिटेन किस तरह के से फिर बिहेव करेगा आगे कुछ नहीं पता। तो ठीक है यहाँ पर जिन्ना चाहते हैं पार्टीशन हो तो ठीक है पार्टीशन ही कर लो। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर पार्टीशन होता हुआ देखने को मिलता है। और देखिए अगर हम आज के डेट में पाकिस्तान को समझें या शुरुआत में ही पाकिस्तान को देखें, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पाकिस्तान के अंदर जो पहले जनरल इलेक्शन हुए वो 1970 में हुए, 1947 में देश आजाद हो गया, 1970 में इलेक्शन हुए। 1947
जनरल इलेक्शन पहले, जबकि इंडिया में 1951 में ही हो गए थे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं, तो हमें क्या देखने को लगता है कि भाई जो जिन्ना थे उनकी सबसे बड़ी भूल थी ये कि उन्होंने पाकिस्तान को एक अलग कंट्री के तौर पर बनाया। क्यों, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पर हमें देखने को मिल रही है ना। और सबसे मजे की बात पता है क्या, जब जिन्ना ने खुद जाकर के पहला इलेक्शन वहां पर लड़ा तो जिन्ना खुद इलेक्शन हार गए पाकिस्तान में। ये सब चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें होती हुई देखने को मिली और फाइनली यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिलती हुई हमें यहाँ पर देखने को मिली। 15 अगस्त को भी इस स्टोरी के पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक है, इस डेट के पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। कहीं ना कहीं माउंटबेटन के पर्सनल इस डेट के साथ लगाव था, तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही जल्दबाजी में यहाँ पर क्या कर दिया, देश को आजाद करवा दिया, जिस वजह से इतने ज्यादा दंगे फसाद यहाँ पर हुए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा दैट व्हाट वाज द रियल डेट, कौन सी डेट तय करी गई थी देश को आजाद करने के लिए और क्यों 15 अगस्त को यहाँ पर कर दिया, फटाफट से मुझे बताओ कि क्या है। देखो जो ट्रांसफर ऑफ पावर का जो प्लान था ना, वो बेसिकली 1948 का था। उन बोला गया कि जून 1948 तक माउंटबेटन को टाइम दिया गया कि एक साल का आपके पास समय है, जून 1948 तक देश को आजाद कर दो। बट माउंटबेटन को इतनी ज्यादा जल्दी थी कि माउंटबेटन ने क्या करा, 15 अगस्त को ही देश को आजाद कर दिया। क्यों, क्योंकि जो 15 अगस्त थी ये डेट माउंटबेटन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इस वजह से यहाँ पर 15 अगस्त को ही देश को आजाद कर दिया। और इतनी हबड़ा तबड़ी के अंदर जो देश आजाद हुआ, इस वजह से लोगों को यहाँ पर जो है क्या हुआ, लोगों की यहाँ पर इतनी ज्यादा हमें जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिली। जो माइग्रेशन हुआ बहुत बड़े लेवल पर, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, कम्युनल राइट्स इतने ज्यादा जो हुए उनसे प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो ये था पार्टीशन की स्टोरी, इस तरीके से पार्टीशन हमें यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला। आगे चल करके क्या हुआ, देखिए क्या था यहाँ पर, अगर हम बात करें पार्टीशन को लेकर के, तो देखिए क्या था, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिख लीडर्स थे, कांग्रेस के लोग थे, वो समझ चुके थे कि भाई पार्टीशन जो है ठीक है गलत, बट कहीं ना कहीं जरूरी है। बंगाल के अंदर भी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो कम्युनल हिंदू ग्रुप्स थे वो क्या चाहते थे, उन्हें भी पॉलिटिकल पावर चाहिए था, उन्हें था अगर मुस्लिम निकलेंगे यहाँ से तो हम पावर के अंदर आएंगे। और कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को था कि अगर हम अलग डोमिनेंस बना लेंगे तो हम पावर के अंदर आ जाएंगे। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की वजह से कम्युनल आउटरीच हमें, कम्युनल कार्नेज हमें जगह जगह पर, कम्युनल होलोकॉस्ट हमें हर जगह पर देखने को मिला, और फाइनली हमारा जो देश है उसको यहाँ पर पार्टीशन होना पड़ा। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। अब गांधी जी का क्या एटीट्यूड था पार्टीशन की तरफ, गांधी जी ने यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन यहाँ पर दिखाया। गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत काम हुआ है, गांधी जी हेल्पलेस भी थे यहाँ पर, कुछ कर नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं दुखी भी बहुत ज्यादा थे अंदर से। क्यों, क्योंकि और कोई च्वाइस नहीं थी ना। आप बताएं मुझे कि और क्या हो सकता था। अगर आप में से कोई लोग है यहाँ पर, किसी के पास कुछ अपना ओपिनियन है तो बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसकी जगह क्या किया जा सकता था। इतनी सिचुएशंस जो खराब हो चुकी थी 1945 से लेकर के 1947 के बीच में, क्या कर सकते थे। और जिन्ना को यहाँ पर कह दिया कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट भी तुम बना लो, ठीक है तुम ही हर काम कर लो, वो तब भी नहीं माने। जिन्ना को यहाँ पर हर तरीके से मनाने की कोशिश करी, वो तब भी नहीं माने। पहले मान गए कैबिनेट मिशन प्लान को, फिर बाद में मना कर दिया, डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया, फिर उसके बाद जो है इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो गए, फिर मना कर दिया कि नहीं मैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो आप लोग, और जगह जगह पर कम्युनल दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, तो आप लोग बताएं कि यहाँ पर अगर पार्टीशन नहीं तो क्या क्या ऑप्शन था, क्या च्वाइस और क्या थी। अगर किसी के मन में कोई चीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें, यहाँ पर ओपिनियन अपना सामने रखें आप लोग। और देखिए ये जितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई ना पार्टीशन के टाइम पर, वो ना भी होती अगर यहाँ पर माउंटबेटन 15 अगस्त को पार्टीशन ना करते, अगर यहाँ पर 30 जून तक ही चीजें होती, थोड़ा टाइम मिल जाता, चीजें जो है आराम से होती, ठीक है एक पूरी की पूरी प्रोसेस पूरा को पूरा फॉलो करा जाता। बट जब यहाँ पर 1947 में ही देश को आजाद करने की बात करी, तो लोगों के मन में हबड़ा तबड़ी मच गई। क्या मैसेज आने लगा कि पाकिस्तान वाले साइड में, मतलब कोई भी हिंदू है उसे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। इधर की तरफ क्या बोले जाने लगा इंडिया में कि कोई भी मुसलमान है उसे मारा काटा जा रहा है। तो लोग परेशान हो गए, भगदड़ मच गई हर जगह। आप अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी भाग मिल्का भाग, तो आप देख पाएंगे कि उसमें किस तरीके से दंगे वगैरह भड़के। कहीं ना कहीं फेक न्यूज उस टाइम पर भी था जो और आज भी है ना। तो इस वजह से हमें यहाँ पर ये सब चीजें होती हुई देखने को मिली। जब दंगे बढ़े तो गांधी जी खुद ईस्ट बंगाल, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, गांधी जी खुद वहां पर गए, लोगों से जाकर के बिहार वाले एरिया में, कलकत्ता वाले एरिया में गांधी जी ने लोगों से हाथ जोड़े कि भाई बस ये लड़ाई झगड़े मत करो। गांधी जी ने फास्ट वगैरह यहाँ पर रखा,
ये सब चीजें हमें यहाँ पर जो है होती हुई देखने को मिली, और फाइनली हमारा देश यहाँ पर आजाद हुआ और पार्टीशन इसका यहाँ पर हुआ। तो ये थे हमारी पूरी की पूरी स्टोरी। अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ पर कमेंट्स हैं, अब देख लेते हैं। कमेंट है यहाँ पर अमीना का, अमीना कह रही है 1940 में भी डायरेक्ट एक्शन होता है ना सर? नहीं, 1946 ही है डायरेक्ट एक्शन डे, तो 1940 में तो कोई नहीं हुआ ऐसा। 1946 ही डायरेक्ट एक्शन डे में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आकाश यहाँ पर कह रहे हैं सर थैंक यू सो मच फॉर द कोर्स, प्लीज स्टार्ट सेम टाइप ऑफ कोर्स फॉर करंट अफेयर ऑल्सो। देखिए गाइज, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का कोर्स हम बनाएं करंट अफेयर्स को लेकर के भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमारी टीम तक आपका मैसेज पहुंचे। ओके, तभी वो शुरू हो पाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुश्किल ही है। सर इट वॉज फाइनल द रिएक्शन ऑफ द वॉट हेल्प ओवरऑल फ्रीडम स्ट्रगल विद मुस्लिम लीग यस्टरडे आल्सो आई मेंशन दैट आईएनसी गॉट फेल्ड टू गेन द कॉन्फिडेंट ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी। सी, फेल टू गेन द कॉन्फिडेंट ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटीज, कहीं ना कहीं आपकी बात जो है ये देखिए क्या है, अगर हम आज की डेट की भी बात करें या अगर हम पहले की डेट की बात करें, तो देखिए कहीं ना फेक न्यूज लोगों के मन में, कहीं ना कहीं लोगों को डराया जाना कि नहीं भाई तुम्हारे लिए तुम सेफ नहीं हो, तुम आप एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में जब ये स्पिरिट एक तरीके से डेवलप हो जाएगी ना, आप सेफ नहीं हो, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। अब कांग्रेस ने काफी सारे काम करे, और कहीं ना कहीं आजादी के बाद भी कांग्रेस को बहुत टाइम लग गया माइनॉरिटीज का सपोर्ट गेन करने में, और बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजंस भी लिए गए जो कि यहाँ पर नहीं लिए जाने चाहिए थे। खैर कॉन्ट्रोवर्शियल है वो, उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करते। पाकिस्तान फॉर्मेशन वॉज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया। बिल्कुल, अगर आज की डेट में यूनाइटेड इंडिया होता ना तो आज कहानी अलग ही होती। 30 जून, बिल्कुल 30 जून वॉज द डेट। एट लास्ट देयर वॉज नो ऑप्शन सर एक्सेप्ट पार्टीशन बिकॉज इट वॉज वेरी लॉन्ग अनसॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन आईएनसी एंड पाकिस्तान। सर पाकिस्तान हिस्ट्री में जिन्ना को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ हीरो? देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अभी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अभी एक जिन्ना के ऊपर एक बुक ली है, मैं उस बुक को पढ़ूंगा, फिर मैं अब आप लोगों को बता पाऊंगा कि भाई पाकिस्तान में किस तरीके से जिन्ना को रिप्रेजेंट करा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हीरो की, तो अगर हीरो जिन्ना को देखा जाता तो कहीं ना कहीं जिन्ना हारते ना इलेक्शन, जिन्ना अपना पहला इलेक्शन ही हार गए थे जब वो जाकर के पाकिस्तान में लड़े, है ना? अगर हीरो होते तो इलेक्शन भी जीत जाते। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आप लोग अगर देखें तो पहला जनरल इलेक्शन हुआ, दूसरा जनरल इलेक्शन हुआ, तीसरा जनरल इलेक्शन हुआ, नेहरू जी ने किस तरीके से एक मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाई। कहा जाता था कि अगर लालटेन को भी खड़ा कर दिया जाएगा ना कांग्रेस के सिंबल के साथ, तो वो भी इलेक्शन जीत जाएगा, इतनी बड़ी बात बोली जाती थी। तो यानी कि कहीं ना कहीं नेहरू जी की पकड़ थी लोगों के अंदर, बट जिन्ना कहीं ना कहीं फेल हो गए थे। देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी हमें, है ना? तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वायसराय व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। नहीं जी, लॉर्ड वेवल थे उस टाइम पर, है ना? तभी तो वेवल प्लान भी बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946 टुक प्लेस व्हेन द इंडियन सोल्जर्स इन द रॉयल इंडियन नेवी एट बॉम्बे एंड कराची रोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बिल्कुल ये सही है। तो 2 बी विल बी द राइट आंसर हेयर। बिल्कुल स्वाति, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर हेयर। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सेट करें कौन कब क्या हुआ। सेकंड राउंड टेबल कब हुई? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। म्यूटिनी इन द इंडियन रॉयल नेवी 1946। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं? 3-2-1, सी, सी विल बी द राइट आंसर हेयर। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर हेयर। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ कमेंट्स की, यस दर्पण आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, स्वाति का आंसर भी ठीक है, यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर यार। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया गांधी जी सजेस्टेड माउंट बेटन दैट ही। ऑल्टरनेटिव के तौर पर क्या करा था गांधी जी ने, क्या कहा था माउंट बेटन को कि आप क्या कर दो? पोस्टपोन ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, ऐसा तो नहीं कहा। इन्वाइटेड जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ये करा था। मैंने आपको बताया था ना, गांधी जी ने यहाँ तक इतना तक कह दिया कि भाई आप जिन्ना को, सॉरी यहां पर अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड हमारा क्या रहेगा यहां पर अगर हम देखें तो थर्ड में, सॉरी ये नहीं, गांधी जी ने यहां पर कहा कि भाई जिन्ना और नेहरू दोनों को मिलकर के बुलाओ कि गवर्नमेंट तक बनाने को कहें वो, है ना? तो यही तो हमें देखने को मिला जब जिन्ना इंटरिम गवर्नमेंट में तो आ गए, बट आगे चल करके उन्होंने मना कर दिया। तो सी विल बी द राइट आंसर हियर। यस आकाश, सी, सी विल बी द राइट आंसर। एक सेकेंड यहां पर कुछ कंफ्यूजन हो गया है, कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, हाँ यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जिन्ना को इनवाइट करा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा। सॉरी सॉरी एवरीवन, बी विल बी द राइट आंसर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए जब हम बात करते हैं गांधी जी की, तो मैंने आपको क्या बताया कि गांधी जी ने ऑल्टरनेटिव के तौर पर क्या बात बोली कि भाई पार्टीशन ना करो, जिन्ना अगर पावर चाहते हैं, सत्ता चाहते हैं, तो आप उन्हें पावर दे दो।
आप जिन्ना को गवर्नमेंट के लिए इनवाइट करो, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हेयर, ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर हेयर, बी बी विल बी द राइट आंसर हेयर, ठीक है, थ्री का आंसर होगा बी। फोर्थ पे आ जाते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, किस तरीके से थे मेंबर, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ प्रोविंसेस, नहीं जी डायरेक्टली नहीं थे, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, नहीं जी ऐसा भी नहीं था, क्या था, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ ऐसा था कहीं ना कहीं, यहां पर अगर हम बात करें तो क्या था कि जो ये मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर प्रोविंसेस से लोग थे वो कहां से गए थे, वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोगों ने ही उनको इलेक्ट यहां पर करके भेजा था, ठीक है, तो सी सी विल बी द राइट आंसर हियर फॉर द फोर्थ, फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो आज के सेशन में इतना ही गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, आज के सेशन में हमने हमारे देश भारत को आजाद यहां पर करा दिया है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, चीजें समझ आई होंगी, क्लियर हुआ होगा कि कैसे किस तरीके से चीजें हुई, क्या कुछ हुआ, पूरा प्रोसेस अगर समझ आया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें आज के सेशन की, यहीं पर खत्म करते हैं। जो कल का हमारा सेशन रहेगा, कल के सेशन में हम ना एक तरीके से प्रेस के बारे में बात करेंगे, कल हम प्रेस को पढ़ेंगे कि प्रेस को किस तरीके से इंडिया में करा गया, ठीक है, कल हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर बात करी गई प्रेस को लेकर के, कैसे जो है प्रेस को लेकर के काम करने की बात करी गई, कैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, फिर किस तरीके से चीजें रही, तो कल हम जो है ये लोग हम लोग कल जो है प्रेस वाली चीज को डिस्कस करेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और बाकी सब चीजों को यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्रेस वाला टॉपिक ना, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है, एंड दिस विल बी द लास्ट सेशन फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी और सॉरी इंडियन हिस्ट्री। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 अप्रैल से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 2 अप्रैल से हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, और इंडियन पॉलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम यहाँ पर देखेंगे कल के सेशन में, ठीक है। कुछ कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अमीना का कमेंट है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय मोहम्मद इकबाल एंड रहमत चौधरी। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा ही हुआ था कि जब आइडिया ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो यही जो चौधरी रहमत अली थे उन्होंने ही कहीं ना कहीं पहली बार यहाँ पर जो है इसका एक तरीके से आइडिया दिया था। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना रहमत अली की, तो रहमत अली की जो डेथ हो गई थी वो 1951 में हुई थी, रहमत अली की डेथ। और फिर जब हम बात करते हैं रहमत अली को लेकर के, तो देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने ही पाकिस्तान के आइडिया को दिया था आगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर मोहम्मद इकबाल की भी बात करी जाती है, ठीक है, कि अलाहाबाद एड्रेस एक स्पीच उन्होंने दी थी अलाहाबाद के अंदर, वहां पर मोहम्मद इकबाल ने बोला था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25th सेशन था वो, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25th एनुअल सेशन हुआ था 1930 में, ठीक है, 25th एनुअल सेशन में यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने बोला कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक पाकिस्तान चाहिए, एक सेपरेट कंट्री चाहिए। फिर कहीं कहीं जिन्ना का भी रेफरेंस आता है, तो ये 2-3 नाम है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि हाँ इन लोगों ने पाकिस्तान की डिमांड यहाँ पर रखी, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की, तो 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग बनी, 25 साल बाद क्या हुआ, 25th एनुअल सेशन इसका सेलिब्रेट करा गया 1930 में, और 1930 में इस सेशन में जो मोहम्मद इकबाल थे उन्होंने यहाँ पर, मोहम्मद इकबाल ने यहाँ पर बात कही किस चीज की, मोहम्मद इकबाल ने यहाँ पर कहा कि भाई हमें क्या चाहिए, एक नया देश पाकिस्तान चाहिए, आइडिया ऑफ पाकिस्तान इन्होंने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि चौधरी रहमत अली ने पहली बार दिया था, तो इस तरीके से अलग अलग नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट हाँ जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, ये लोग ही यहाँ पर हैं जिनको माना जाता है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का आइडिया यहाँ पर दिया था। हाँ यस, एक यहाँ पर कमेंट आया है कि सन्यासी रिबेलियन भी बाकी है, तो देखिए अभी वही चीज़ है, 2 यहाँ पर टॉपिक्स रह रहे हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, ये 1-2 टॉपिक रह रहे हैं हमारे, तो उम्मीद तो यही है कि कल मैं उन टॉपिक्स को कवर कर दूंगा, बाकी देखते हैं, अगर यहाँ पर नहीं हो पाया तो फिर देख लेंगे रिवोल्ट लाइक सन्यासी वहाबी, देख लेते हैं उन छोटे छोटे अपराइजिंग्स को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे अगर आप लोगों का कमेंट है जैसे यहाँ पर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस, आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप, बाकी ये जो सन्यासी और वहाबी वाला है ना, ये आई गेस मैंने लेटर मुगल्स में कवर करा था, एक बार मुझे बता दीजिएगा कि क्या अभी ये सन्यासी और वहाबी वाला कवर नहीं हुआ है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये कवर हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो मैं इसको कवर कर दूंगा एक सेशन बना करके, फिर 3 अप्रैल से पॉलिटी शुरू करेंगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। तो चलिए आज की सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना, और जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक करंट अफेयर्स के ऊपर भी कोर्स बनाया जाए,
तो बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीड मेंशन कर देना कि भाई सर एक नया कोर्स बना दीजिए करंट अफेयर्स के ऊपर, ताकि जो है यहाँ पर हम उसको शुरू कर सकें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एक काम करिएगा, आज जाइए जाकर के पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, फिर कोई भी डाउट होगा कल आपके डाउट को ले लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, गुड बाय, गुड लक, हैव अ वेरी गुड डे। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, गुड बाय, गुड लक, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय भारत।